हेलो स्टूडेंट, मैथ्स इन डेप्थ में आपका स्वागत है। आई होप ये प्लेटफॉर्म आपकी पूरी तरीके से मदद कर रहा है और ये प्लेटफॉर्म आपको 4 साल हर तरीके से मदद करेगा, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, वर्कशॉप्स हो, सर्टिफिकेशन हो, कोर्सेस हो, इंजीनियरिंग में कहीं भी आपको डिफिकल्टी हो, प्लेसमेंट्स तक, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ है। इसीलिए इंस्टॉल कर लो MyD Pro ऐप प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जिसको भी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करो, आपके सारे क्वेरीज क्लियर कर दी जाएंगी। एक्सपर्ट टीम बैठी है, वो आपको सब कुछ बना के देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस। ऑलराइट, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करके ये पूछ रहे थे, सर गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, कौन सा बेटर है, किसका क्या कट ऑफ है। तो चलो एक लिस्ट में हमने बनाई है और इसमें आपको आपके जितने भी क्वेरीज है रिलेटेड टू गवर्नमेंट कॉलेजेस वो क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग ये लिस्टिंग कर रहे हैं। तो पहला ऑब्वियसली हमारे लिस्ट में होगा, आपको सबको पता है, VJTI है। बट क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ के बेसिस पे ओवरऑल कैसा है वो कॉलेज, प्लेसमेंट्स कैसे हैं उस कॉलेज में, एंड देन फैकल्टी कैसी है, और फी स्ट्रक्चर भी मैंने डाला हुआ है, तो फी स्ट्रक्चर भी आपको हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला VJTI है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग बोलते हैं COEP बेटर है, बट अगर मुझसे पूछोगे तो मैं VJTI बोलूंगा हर एक एस्पेक्ट में, चाहे फीस हो, चाहे लोकेशन हो, चाहे प्लेसमेंट्स हो। ऑलराइट, तो VJTI में देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे देखो ओपन कैटेगरी का 68,000 के अराउंड फीस है, OBC एंड VJNT SBC कैटेगरी वालों को 43,000, अराउंड 20,000 का गैप है। SC ST को तो बहुत कम होता है, मोस्टली SC ST को जितने भी कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसमें फीस 2,000-3,000 के अराउंड ही उनको फीस भरना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज अगर कट ऑफ देखोगे तो ये मोस्टली कंप्यूटर साइंस का लिया मैंने, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो ओवरऑल। ऑलराइट, बाकी ब्रांचेस का कट ऑफ और आपके कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ फीस, एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलेगा पर्सनल काउंसलिंग में। एक एक चीज पर्सनल लेवल पे आपको जूम सेशन में बताया जाएगा। ऑलराइट, एक्सपर्ट टीम है, प्रोफेशनली वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स, वी आर एन इंस्टीट्यूट, तो आपको पता है कि कोई इंस्टीट्यूट अपना नाम नहीं खराब करेगा। ऑलराइट, सो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी कॉन्टैक्ट करिए, रात को 12 बजे से लेकर 1-2 बजे तक भी स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं और हमारी टीम एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है उनको गाइड करने के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारे लिस्ट में है VJTI। EWS का कट ऑफ में देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कैटेगरी वाइज, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है। VJTI बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, गवर्नमेंट कॉलेज है एंड बहुत पुराना कॉलेज है। तो दिस इज द कट ऑफ फॉर VJTI। नेक्स्ट इज COEP। तो COEP में देख लेते हैं, ओपन के लिए 90,000, थोड़ा फीस ज्यादा है एज कम्पेयर टू VJTI। OBC VJNT SBC के लिए 49,600, SC ST 9,750, थोड़ा सा ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू अदर्स। कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो ओपन का 99.48 जा रहा है, थोड़ा सा कट ऑफ भी एज कम्पेयर टू VJTI थोड़ा सा कम है। OBC का 99.6, SC 99.88, NT 123 का नहीं मेंशन था, NT 3 है 99.70, TFWS एंड EWS ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जब TFWS फर्स्ट टाइम आया था तब ना किसी को पता नहीं था TFWS क्या होता है, तो TFWS क्या होता है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। TFWS और EWS पे डिफरेंस क्या है उसका भी वीडियो बनाया, वो भी लिंक में डाल दिया। तो TFWS किसी को पता नहीं था, तो जब पता नहीं था तो किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो उस टाइम TFWS में जिसने अप्लाई किया उसको मिल गया। बट अब क्या है, सबको पता है TFWS। ऐसे ही न्यू ब्रांचेस में भी है, स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं था, तो कम कट ऑफ में AIDS, DataML, डेटा साइंस ये सब मिल रहा है, बट अब कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है और ओवर द ईयर्स देखोगे आप कट ऑफ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग खराड। यहाँ पे फीस आप देख सकते हो 68 के अराउंड है एंड 34 के अराउंड बाकी कैटेगरीज, और SC वालों को 44,500 के आसपास मिल रहा है। ओपन के लिए 99.74 है कट ऑफ, OBC 99.6 है, SC ST सब 97-93, थोड़ा डिफरेंस आ गया यहाँ पे। ठीक है, और INT वालों के लिए कट ऑफ थोड़ा ज्यादा है। TFWS EWS के लिए कट ऑफ आप देख सकते हो 99 ऑलमोस्ट। सो ये कट ऑफ के बेसिस पे आप अपना माइंड बना लो कि आपको ये कॉलेज में अप्लाई करना है या आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। फीस तो गवर्नमेंट कॉलेज का हमेशा 80-90 के नीचे ही है, बाकी प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख के ऊपर जाता है। और पुणे में फिर भी पुणे के कॉलेजेस की फीस कम है, बाकी कॉलेजेस की फीस मुंबई में बहुत ज़्यादा है फीस एज कम्पेयर टू पुणे, और रीज़न भी है मुंबई महंगा है। ओपन कैटेगरी का फीस अगर वालचंद कॉलेज, वालचंद ये सांगली वाला वालचंद है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, और
इसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इसका प्लेसमेंट वगैरह अच्छा है, वेबसाइट बहुत ही बेकार है, इनको वेबसाइट्स के लिए अपने वेबसाइट को इम्प्रूव करना चाहिए। बट एनी वेज ओपन कैटेगरी के लिए 99 जा रहा है, एंड EWS TWS 99 के अराउंड जा रहा है। SC 98, SC ST का 98 है, OBC भी 98 है। तो फीस तो 4,800 है SC ST के लिए। जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, नेक्स्ट कैटेगरी वाइज 80,000 के अराउंड फीस है। SC ST बहुत कम फीस है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। OBC एंड अदर कास्ट के लिए 31,000 के अराउंड है। ओपन कैटेगरी का 97.38 है, SC 91, NT का 93 के रेंज में है, TWS 97 के रेंज में है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर 6th कॉलेज है हमारा, और इसमें ओवरऑल 20 इसका फीस काफ़ी कम है, 24,000 27,000 के अराउंड है। एंड बाकी कास्ट के लिए भी फीस कम है। ओपन कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 96 के अराउंड आ रहा है, और NT के लिए 91 जा रहा है। राइट, सो नेक्स्ट इज अमरावती गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ओपन के लिए 83,000 के अराउंड, SC ST के लिए 1,000 सिर्फ, और बाकी कैटेगरी के लिए अराउंड टोटली हाफ से ज़्यादा, 50% तो मोस्टली डिस्काउंट मिल ही जाता है अदर कैटेगरी को। और यहाँ पे ओपन को 96 के अराउंड है, OBC को 96 96 के रेंज में है, EWS 95 में जा रहा है, और NT वालों को 98 में मिल जा रहा है। ऑल राइट, तो श्री गौरी गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो हमारी 8th कॉलेज है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन के लिए 66,000 के आसपास फीस है। देखो बहुत सारे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा नहीं, अगर आपको फीस स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हम लोग, और वेबसाइट नहीं मिल रहा है या वेबसाइट में कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। एंड व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ऑल राइट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज जो भी है 95 के अराउंड जा रहा है, 95 के नीचे जा रहा है, तो मोस्टली 94-95, बट ओवरऑल ST का कट ऑफ थोड़ा नीचे गया है। तो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवसरी वाला, एंड यहाँ पे फीस यहाँ पे भी कम है, एंड आप देख सकते हो फीस 24,000 के आसपास है। ओपन जो जा रहा है कट ऑफ वो 92-92 के नीचे जा रहा है कट ऑफ, तो जिसको 90 के आसपास मिला है और कैटेगरी में, तो उसको ये कॉलेज मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, ओपन है 82,000 तक फीस है, बाकी कैटेगरी का डायरेक्टली हाफ हो जा रहा है, 3,000 के अराउंड SC ST का है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखोगे तो आप 90 से चालू हो रहा है, 90 से 86-70 तक भी जा रहा है ST का कट ऑफ। तो यह है कट ऑफ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओवरऑल ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो प्लेसमेंट जो बेसिक कंपनीज आती है वो आती है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में। हाँ, आप एक्सपेक्ट मत करना कि VJTI या करड या COEP में जैसा सेम कॉल सेम जितने भी कैंपस रिक्रूटमेंट होती हैं जिस लेवल का उस लेवल का इसमें होगा, नहीं होगा वैसा। तो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवतमाल, ओपन के लिए जो और इसमें जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट है उनका तो होगा नहीं, बट महाराष्ट्र स्टेट वालों का जो यहाँ पे है डोमिसाइल और जिन्होंने CET दिया हुआ है ऑब्वियसली, तो उनका चांस उनका हो जाएगा अराउंड, अगर 90% टाइल किया तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवतमाल का तो 84 है कट ऑफ, तो 84 वाले तो बहुत होंगे, तो आपको मिल भी जाएगा कट ऑफ। बट ये प्लेसमेंट वगैरह में कोई इतना नहीं है, बट ये नहीं कि बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो प्लेसमेंट्स आपको मिलेगा। अदर ब्रांचेस का थोड़ा सा इशू हो सकता है। ओपन के लिए 24,000 के लिए जा रहा है फीस, SC ST 4,000 के आसपास। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर, एंड 25,000 के अराउंड फीस है, एंड 6,000 के अराउंड अदर कास्ट के लिए, एंड SC ST का 1,500 के आसपास, 1,600 के आसपास। 78 से कट ऑफ चालू हो जा रहा है इसका, एंड अराउंड 64 तक NT और NT वालों को मिल रहा है। तो ये हमारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं महाराष्ट्र के। इसमें एक और कॉलेज आता है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें बट CSIT नहीं है, उसमें सिविल मैकेनिकल है। तो जिसको उसमें इंटरेस्ट है तो वो डायरेक्टली आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वो कॉलेज पे विजिट करके डायरेक्टली आप देख सकते हो। उसका कट ऑफ 90 के आसपास ही है ये मैकेनिकल और इसका। और अगर आपको ITCS चाहिए तो उसके लिए SPIT है, वो गवर्नमेंट नहीं है। ऑल राइट, जिसका हम लोग ने जो मैंने लिस्ट मैंने बना के दिया है MID प्रो ऐप पे हमारे, उसमें SPIT है सरदार पटेल। ऑल राइट, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम लोग हेल्प कर रहे हैं। ये वीडियो सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, और ऐप इंस्टॉल करके फ्री कोर्सेज को चेकआउट करिए, जो भी चाहिए आपको वो मिलेगा यहाँ पे। बस
बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।